रीवा में नवनिर्वाचित सरपंच और उसके साथी पर महिला के साथ गैंगरेप के आरोप लगे हैं। बताया जाता है कि घूमने जा रही महिला को सरपंच ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया है। घटना के बाद स्थानीय पुलिस भी FIR दर्ज नहीं की तो पीड़िता शिकायत लेकर दर दर भटकती रही। घटना को लेकर पुलिस की भी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आरोपी सरपंच के खिलाफ पहले से ही थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। राजनीतिक रसूख के चलते FIR दर्ज नहीं की जा रही है। पूरा मामला रीवा जिले के जने थाना क्षेत्र का है। बताया जाता है कि चित्रकूट निवासी महिला प्रयागराज से लौट रही थी। रास्ते में कोई साधन न मिलने के कारण वो पैदल ही जा रही थी, जिसे मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और फिर तालाब के किनारे ले जाकर गैंगरेप किया। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। आइए सुनाते हैं पीड़िता ने क्या कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। बताइए कहाँ आई हैं आज आप? एसपी, क्या शिकायत लेकर के आई हैं? जने थाना दे मेरी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जान से धमकी मारी तो दे जा रहे हैं। कब की घटना है, कहाँ घटना हुई थी? 14 तारीख। कहाँ घटना हुई थी? छोटी गंगा। क्या कहना है पुलिस वालों को? पुलिस वालों को कहना है कि मेरी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। किसने आपके साथ गलत किया है? धर्मेंद्र सिंह ठाकुर। कौन है ये? राजवंश, ये चौकड़ा के रहने वाले। ये अभी सरपंच भी गए हैं? हाँ जी। कौन है आप बताइए ना। धर्मेंद्र सिंह ठाकुर सरपंच बने हैं अभी? हाँ। ये बताइए। हाँ, सरपंच के जवाब बने। ठीक है, पहले भी इनके ऊपर कुछ केस लग चुका है? हाँ, इनके ऊपर पहले भी केस लग चुका है, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।